ऑल राइट गाइस, आज मैं गया था अपने पासपोर्ट इंटरव्यू के लिए एंड आज वीडियो में इसी बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या होता रहा। पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले ना बहुत ही सारा कन्फ्यूजन रहता है एंड थोड़ा सा डर भी रहता है कि नहीं पता वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को कैरी करने हैं और वहाँ पे अगर पासपोर्ट ऑफिस में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू के टाइम क्या बोलना पड़ता है, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। और साथ ही साथ कुछ इतने अच्छे आप लोग को टिप्स बताऊँगा ना कि आप लोग को लगेगा कि ना ये पासपोर्ट बनाना बहुत ईजी काम है और आप लोग कल ही के कल चले जाओगे पासपोर्ट बनवाने के लिए। एंड उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोग एप्लीकेंट फॉर्म तो भरने आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए तो आप लोग वहाँ पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में कि कैसे भरते हैं फॉर्म। मैं आज आप लोग बस ये बताऊंगा जो जो मेन डॉक्यूमेंट्स आप लोग को वहाँ पे सीरियसली लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने चाहिए जब आप लोग एप्लीकेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग एप्लीकेंट फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे आप लोग को प्रूफ ऑफ एड्रेस जब पूछेगा तो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है वहाँ पे। और अगर आप लोग को अपना बर्थ प्रूफ, एज प्रूफ मांगे हैं वहाँ पे तो सिर्फ उसमें अपना रिजल्ट और कुछ भी नहीं। अगर आप 10th पास है या फिर 12th पास है या फिर ग्रेजुएट है या फिर 10th भी पास नहीं है, 8th भी पास नहीं है, 5th पास है अगर, तो भी आप लोग का पासपोर्ट बनेगा। ऐसा कोई वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग का पासपोर्ट नहीं बनेगा। 5वीं पास है तो भी पासपोर्ट बनेगा, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। बस आप लोग के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रहने चाहिए क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाके वेरीफाई करते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स लगाने का फायदा इसलिए क्योंकि बताओ अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना तो वेरीफिकेशन के लोग उतना ही ज्यादा टाइम लेंगे और उतना ही ज्यादा आपका मूड खराब होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बता देता, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना 10th का रिजल्ट, अपना 12th का रिजल्ट के जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके जाना क्योंकि वो लोग वहाँ पे अच्छे से वेरीफाई करेंगे तभी आप लोगों का काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो काम वहीं पे रुक जाएगा, आप लोगों को फिर 2-4 बार राउंड मारना पड़ेगा। सो जब आप लोग पेमेंट करते हैं एप्लीकेंट फॉर्म प्रिंट करने के बाद तो उसके बाद आप लोग अपॉइंटमेंट डेट लेंगे एंड आप लोग के फोन में अपॉइंटमेंट का मैसेज आ जाएगा जो भी नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है। एंड साथ ही साथ आप लोग को एक अपॉइंटमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा, बट वो रिसिप्ट को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना फोन में SMS भी लेके जाएंगे वो ही चलेगा, रिसिप्ट कोई काम का नहीं है। फोन में SMS लेके जाइए ऑफिस जिस दिन भी आप लोग को बुलाया है। एंड मैं आप लोग को अच्छे से बता दूं कि वहाँ पे होगा क्या। अब जैसे ही आप लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ पे 3 काउंटर्स रहेंगे, काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी। अब डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, हो सकता है काउंटर A1 हो, B1 हो, B2 हो, B3 हो, कुछ भी हो सकता है, बट टोटल 3 ही प्रोसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अब देखो क्या होगा, पहले काउंटर में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को वो बोलेगा बैठो, आओ आराम से बैठो। हाँ, उसके बाद आप लोग के वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और सिर्फ 4 ही चीज़ उसमें जो मैंने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट, अगर वो सही है आप लोग की जेरोक्स को वो रख लेगा, ओरिजिनल में देखेगा, ओरिजिनल में 2 स्टैप मारेगा और साइन करने के लिए बोलेगा, 4 में साइन कर दीजिए ओरिजिनल में, ओरिजिनल को अपने पास रख लीजिए। सो जो आपका जेरोक्स वाला जो जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा बोलेगा इसको लेके आप बाजू काउंटर में जाओ। अब यहाँ होगा आपका छोटा सा इंटरव्यू, बस आप लोग को डॉक्यूमेंट उसको दे देना है, वो बोलेगा बैठो, बैठ जाना चुपचाप जाके। मैं बैठा, बैठने के बाद बोलता है आकाश जी बस, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, वो डॉक्यूमेंट ही चेक कर रहा था। और उसके बाद धीरे से वो बोलता है कि क्या करते हैं आपने, बोले सर मैं फिल्म मेकिंग स्टूडेंट हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही पूछते हैं उन लोग कि क्या करते हो आप, कुछ नहीं पूछेंगे क्यों बनवा रहे हो, कहाँ जाना है, पहले अप्लाई किया कि नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं कि क्या मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ भी बता सकते हो आप लोग, झूठ बोले झूठ बोलो, बट थोड़ा सा अच्छे से बैठो कॉन्फिडेंट। और उसको पूछने के बाद मुझे बोला कि खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद आप लोग के दोनों थम्स के वहाँ पे जो भी बोलते हैं उसको होगा, उसके थंब रखने के बाद आपको ये 4-4 उंगली के वहाँ पे स्टैम्प लगेंगे। उसके बाद आप लोग को बोलेगा कि बाजू बैठो, बाजू में आप लोग का चुपचाप एक तो बस फोटो खिंचाएगा DSLR में। अब आप लोगों को लगा कि अगर DSLR में अच्छे फोटो नहीं आया तो आप लोग एक और अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 2 अटैम्प्ट तक के रहता है, तो आप लोग वहाँ पे फोटो खिंचा लीजिए। फोटो खिंचाने के बाद वापस आइए, बैठ जाइए, बैठने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, आप लोग को एक और फॉर्म देगा, उससे बोलेगा कि साइन करो, तो 3 जगह आप लोग को साइन करना है, इधर इधर और उसके पीछे, वो आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वो साइन करने के बाद हो गया आपका काम वहाँ पे खत्म, फिर वो बोलेगा कि काउंटर ए पे जाओ और वहाँ पे जाके दिखा दो। वहाँ पे जाके दिखाने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि हाँ हाँ काउंटर बी वाले ने पूरा साइन कर दिया अच्छे से। उसके बाद वो आप लोग को एक रिसिप्ट दे देगा या फिर एक टोकन दे देगा, अगर काउंटर सिग्नल नहीं होगा ना तो तुरंत आपको एक रिसिप्ट दे देगा कि आप लोग का ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये हो गया आप लोग का इतना बड़ा फॉर्म।
या तो आप लोग को रिसिप्ट दे देगा या फिर बोला कि टोकन अगर दे देगा तो बोलेगा कि जाओ दूसरे काउंटर से आप लोग वहाँ पे रिसिप्ट निकाल लीजिए, तो वहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। बस वहाँ पे काम आप लोगों का पूरा खत्म हो गया। और एक चीज मैं बता रहा, अगर वो आपसे पूछते कि आप क्या करते हो, तो आप नॉर्मली अगर कुछ भी बोलते कि मैं कोचिंग करो या फिर मैं ये स्टूडेंट हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ कुछ भी, अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ नहीं रहता मैं बाहर रहता हूँ, तो आप लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप लोग बोला मैं यहीं रहता हूँ और यहीं कुछ करता हूँ, अगर आप बोलेंगे ना कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो बोलेंगे कि नहीं आप लोग वहाँ के दो रेसिडेंट्स को लेके आइए अपने पहचान वाले, तब आपका पासपोर्ट बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मत बोलना कि मैं जॉब करता हूँ मैं बाहर रहता हूँ, बोला मैं यहीं रहता हूँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ या फिर फलाना ढिमकाना जो बोलना है बोलना, बस ये मत बोलना कि मैं बाहर रहता हूँ, नहीं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, फंस जाओगे बॉस। तो वही काम खत्म होने के बाद आप लोग को एक रिसिप्ट दोगे, तो उसके बाद आप हेसिटेट मत होइए कि रिसिप्ट को लेके आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो रिसिप्ट लेके आप चुपचाप घर चले जाइए। मैंने उनसे पूछा कि सर ये रिसिप्ट को क्या करना है आप, तो बोले कि बेटा कुछ नहीं होगा, दो तीन दिन में पुलिस आपके घर फोन करेगी, आपको सिंपली अपने पास वाले थाने पे जाके वेरिफिकेशन कराना है, उसके 7 दिन बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये 2019 का नहीं पता क्या नया रूल है कि क्या है कि कोई पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 रुपए देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड आजकल इतना ज्यादा फास्ट कर दिया ना प्रोसेस, क्योंकि सब जान रहे हैं कि अब लोगों को बाहर जा रहा है, अब लोगों को इंडिया में नहीं रहना है, अब लोग ट्रैवलर बनना चाहते हैं हमारी तरह आपकी तरह। सो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एंड सिर्फ 7 दिनों में आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। फिलहाल मैंने तो आज ही सबमिट किया, अब देखते 7 दिनों में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो कहें तो है अब आएगा, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, रिव्यू अच्छा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो कुछ मत करना, दो ही काम करना, सब्सक्राइब कर देना एंड कल ही जाके अपना पासपोर्ट आप लोग बनवा लीजिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल एज हेल। और कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना, उसका भी आंसर मैं बहुत ही जल्दी कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।